देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं जो भी युवा यहाँ पर हैं। इतनी बात तो ज़रूर आपको मैं बता दूं कि ये युवा जो है एम्बुलेंस को इन्होंने रास्ता दिया है और बड़ी आसानी से लोगों ने एम्बुलेंस को पास कराया है। यहाँ पर कोई दिक्कत लोगों ने नहीं दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विशेष मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो पब्लिक है उसको लोग रोक रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं। और ये जो जाम है ना, ये जाम इतना भयंकर जाम हो चुका है यहाँ पर अभी कि आपको मैं बता दूं कि सैकड़ों लोग अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, वो साथ ही साथ सैकड़ों लोग यहाँ पर आ गए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी बात रखने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, आप सभी दर्शकों भी इस चीज़ को ज़रूर समझते होंगे कि क्या कितना बेहतर होना चाहिए, क्या कितना बेहतर नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्थिति है, ये भगवानपुर चौक है और एआरओ मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये बिहार के एआरओ मुजफ्फरपुर के बातें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर फिर से ये क्या कुछ बता रहे हैं, बताइए क्या वर्दी दो या अर्थी दो, हमें एक वर्दी दो या अर्थी दो, दूसरे कुछ नहीं। टीओडी वापस करो, टीओडी वापस लो, देखिए यहाँ पर टीओडी वापस लो की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भर्ती दो नहीं तो अर्थी दो के नारे यहाँ पर युवा लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो दर्शकों को शेयर करिए इससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुँचे। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से ये भी अपील करता हूँ कि सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। कहीं से भी जल्दी एग्जाम करवाइए, उसके बाद ही हम लोग हटेंगे, ठीक है? एग्जाम होना चाहिए। टीओडी हटाइए, टीओडी हो गया, हम नहीं हटेंगे, हमारी बात है, टीओडी लागू नहीं होना चाहिए। 4 साल के लिए सेना में कौन जाएगा सर? 4 साल अभी अभी जैसे प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि आप कमेटी बनाइए और हम प्रशासनिक अधिकारी से बात कराएंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दीपाले पूरा ऑल ओवर इंडिया दिल्ली गया था, दिल्ली लाल किला पे धरना हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। धोखा दिया जा रहा है। आप तो बोलते थे आज एग्जाम जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सरकार हम लोग जैसे युवा को यूज करके छोड़ना चाहता है सेना में 4 साल के लिए। 4 साल के लिए सेना में कौन जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रशासनिक लोग, देश चलता है जवान और किसान से, जब सेना नहीं जाएगा तो देश का ऐसा कौन करेगा? नेता का बच्चा आज क्या है, नेता का एक बच्चा अभी तक का सबसे घटिया सरकार बीजेपी सरकार है साला। हमको पूरा उम्मीद है कि चौपाल समाचार बिहार का नंबर वन और ये हमारी आवाज पूरा केंद्र सरकार तक पहुंचाएगी। आप सब प्रयास करते हैं और देखिए ये प्रयास हम हाथ जोड़े पुरानी जाम पूरी करो। देखिए ये यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर बात रखी है, मैं आप तमाम दर्शकों के बीच रख देना चाहता हूँ और आप लोग ही इंसाफ करें कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया दोस्तों। शेयर गेम खेल रही है सरकार, हम लोग को पबजी की तरह गेम खेल रही है और हम लोग को लगभग 1.5 वर्ष से अभी तक सी एग्जाम नहीं कराया गया है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है? तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में इससे भी तगड़ा आंदोलन करेंगे। रेलवे स्टेशन पे आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन का